नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। शामली जनपद के कांदला पुलिस ने एक अच्छी पहल शुरू की है। पुलिस ने कई गरीब परिवार के लोगों को 15-15 दिनों के लिए खाने पीने का राशन वितरित किया है, जिसके चलते गरीब परिवार के सभी लोग व्यापारी और पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। ये मामला जनपद शामली के कांदला कस्बे के दिल्ली सहारनपुर हाईवे का है, जहाँ पर बाहर से आकर झुग्गी झोपड़ी डालकर कई गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं और मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन कांदला कस्बे में कोरोना वायरस की वजह से 3 दिनों से लॉकडाउन होने के कारण झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोग मेहनत मजदूरी न करने के कारण भूखे प्यासे ही अपनी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे थे, जिसकी सूचना कांदला निवासी व्यापारी वितुल जैन और कांदला थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह को मिलते ही मौके पर पहुंचकर उन गरीब परिवार के सभी लोगों को 15-15 दिनों के खाने पीने का राशन वितरित किया। साथ ही थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह ने गरीब परिवार के सभी लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर लॉकडाउन का पालन करने की बात कही। वहीं सभी गरीब परिवार के लोगों ने 15-15 दिनों के खाने पीने का राशन प्राप्त कर वितुल जैन व थाना अध्यक्ष करमवीर सिंह को धन्यवाद कहा। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। सर, आज जो है यहाँ पे कुछ सामग्री बांटी जा रही है, क्या मामला है? ये कुछ परिवार हैं जो बाहर से आकर के यहाँ रुके हुए थे और इनकी समस्या का संज्ञान में आया कि इनके पास में खाने पीने की जो जरूरत, आवश्यक जरूरत की जो चीज़ें हैं वो इनके पास नहीं है। तो मैंने समाज सेवी विपुल जैन जी से अनुरोध किया था कि ऐसा एक मामला है, तो हम चाहते हैं कि इसमें समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सामने आकर के मदद करें। विपुल जैन जी के द्वारा मेरे आग्रह को स्वीकार किया गया और आज उनके द्वारा इन सभी 15-20 परिवारों को ज़रूरत की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो खान पान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे आटा, दाल, चावल और तेल और मसाले, ये सब दिए गए हैं। इनका काम और इनके साथ में मयंक जैन जी हैं, वरुण जैन जी भी हैं और ये एक अच्छा, एक प्रेरणादायी काम है, समाज के लिए प्रेरणा का काम करेगा। हम चाहते हैं कि ये सब लोग जाने तो और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो और आगे बढ़ चढ़ के इस तरह के जो लोग हैं जिनके खाने पीने की जो समस्या आ रही है इस समय, वो किसी को ना हो।